ने अपने आप को शहरों की ज़िंदगी और ऐशो आराम का आदी बना लिया है। ऐसे में हम ये लोग भूल चुके हैं कि हमारे पीछे गांव भी मौजूद हैं, हमारे पीछे गांव में सादा ज़िंदगी किस तरह गुजरती है, हमारे पिछले क्या करते हैं, कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, हमने उनका हाल मालूम करना भी छोड़ दिया है। क्योंकि हम शहरों में बहुत मसरूफ़ हो गए हैं, हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन इस लॉकडाउन ने कम से कम एक चीज़ तो समझा दी है कि सोशल डिस्टेंस रखना है, लोगों से फासले पर रहना है, मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करना है, ज़्यादा रश वाली जगहों पर नहीं जाना है, ज़्यादा वक्त घरों में गुजारें, घरों से बाहर नहीं जाएं। इन सब चीज़ों से तंग आकर हमने अपने गांव का रुख किया। वहां जाकर देखा कि इन लोगों को तो कुछ मालूम ही नहीं है कि कोरोना वायरस टाइप भी कोई चीज़ है। वो कोरोना वायरस को क्रूला वायरस कह रहे थे। इस कदर सादा लोग, सादा ज़िंदगी, खुले आसमान के नीचे सहरी की, दिन भर भेड़ बकरियों हवेली इनमें गुजारा। जब उन लोगों को कोरोना वायरस के बारे में आगाह किया, मैंने उनको बताया कि आपको नहीं मालूम कि ये क्या है, तो सादगी का ये आलम के कहने लगे, अल्लाह अल्लाह तेनू बोता दे, तू एनू ख़त्म कर दे। उनकी सादगी देखकर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, वहाँ जाकर थोड़ा सा रिलैक्स हुए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना भी नहीं भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशंस मिलते रहें।